नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। हमारी खास पेशकश कोरोना से डरना नहीं बल्कि हराना है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं चैनल हेड एसपी त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, जिस तरीके से देखा जाए नए नए मामले, चाहे पूरे देश को ले लो बल्कि इससे कई देश पीड़ित हैं। अगर मध्य प्रदेश की अगर बात कर लें स्पेशली, तो यहां पर कल मुरैना के अंदर 2 पीड़ित थे, उसके बाद 10 नए पॉजिटिव आ गए। लगातार इस ड्रामेटिकली तरीके से बढ़ रही है तादाद, आखिर कमी कहां रह रही है? कमी सबसे पहले दीपक ये बताओ, कमी इस बात की है, अभी भी थोड़ा चिंताजनक स्थिति ये है कि सैंपल, सबसे पहले आप देखिए सैंपल कितने लिए गए। छत्तीसगढ़ में हमने बात की थी, मात्र 20 से 2200 सैंपल लिए गए टोटल, और उसमें से 7 से 8 निकल के आए। इसी तरह बहुत सारी ऐसी जगह है जो जिला लेवल पे जहां सैंपल नहीं लिए जा रहे हैं। सैंपल लेने के बाद उनको एम्स भेजा जाता है, एम्स में उसको जांच होती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसकी, अगर आपका सैंपल ले भी लेते हैं, किसी पीड़ित का सैंपल ले भी लेते हैं, तो सैंपल लेने के बाद उसको अगर उसका निगेटिव आ भी गया तो 7 से 8 दिन बाद तक उसका लगातार 8 दिन बाद फिर से ले, फिर 12 दिन बाद फिर से ले, तब जाके क्लियर हो पाता है। तो ये एक बड़ी वजह माना जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि स्वराज एक्सप्रेस की पहचान हमेशा से समाज के लिए कुछ अलग करने के लिए, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारी टीम एक नई पहल करने जा रही है। आज जब कोरोना को लेकर जागरूकता से ज्यादा डर पैदा किया जा रहा है, ऐसे हालात में हम आपको प्रदेश के हर शहर में ले जाने की कोशिश करेंगे जहां कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए हैं। साथ ही हम कोरोना पीड़ितों को नाम के साथ उनके परिवार से लेकर हर वो जानकारी देंगे जिसे आप जानना चाहते हैं। हम बताएंगे कोरोना पीड़ित किसके संपर्क में आए, इनका व्यवसाय क्या है। हमारा मकसद है कि अगर आप किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए हो तो तुरंत खुद को क्वारंटाइन कर लें, साथ ही जरूरी जांच भी कराएं। कोरोना को लेकर इंदौर, भोपाल, जबलपुर की जानकारी तो बहुत मिल जाती है, पर स्वराज एक्सप्रेस आपको ले चलेगा मुरैना, शिवपुरी, उज्जैन जैसे शहरों में भी जहां कोरोना पीड़ित पाए गए हमारे इस खास कार्यक्रम के दौरान में। दीपक, बिल्कुल, हमारे इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको बता देंगे कि कोरोना से डरना नहीं बल्कि खुद को और परिवार को भी सुरक्षित रखना है। कोरोना कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। हमारे सामने रायपुर, इंदौर और भोपाल से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो कोरोना से जंग जीत कर घर लौटे हैं। जरूरत है तो बस घर पर रहने की, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की और बार बार हाथ धोने की। और इसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी निर्मल जी बैस लाइव। निर्मल जी, जिस तरीके से देखा जाए मध्य प्रदेश के भी हालात बद से बदतर ही कहेंगे, इसे अच्छे नहीं कहेंगे, लेकिन हालात पर आखिर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है? क्योंकि टोटल लॉकडाउन, एक मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां पर टोटल लॉकडाउन है, इतनी ज्यादा सख्ती है। यहां एक सवाल निर्मल से ये बनता है, हाँ। सवाल ये है कि सबसे पहले, ये तो ठीक है बद से बदतर स्थिति जा रही है, सवाल यहां ये बनता है सबसे पहले कि आखिर भोपाल काफी कम रहा है, और अभी अभी कल एक हमारे पुलिस के जो कर्मी हैं उनको भी हो गया है। दोनों से ये जानना चाहेंगे कि वो कौन सी जगह है जहां से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या उन जगहों पे माकूल व्यवस्था कर दी गई है, क्या उनको सील कर दिया गया है। अगर सील कर दिया गया है तो जहां से वो कोरोना पॉजिटिव कल पाए गए हैं उनके आसपास कितने मकान है, थोड़ा सा इसको जानकारी निर्मल हम इसलिए देना चाह रहे हैं, ये जरूरी हो गया है, ये उन लोगों को जरूरी हो गया है जो लोग ये नहीं जानते हैं कि कोरोना पॉजिटिव जो पाए गए हैं उनके संपर्क में आए हैं वो नहीं आए हैं। कई जगह जैसे कि छपा, अखबार में भी आया, चैनलों में भी दिखाया कि हमारे पुलिस सहयोगी जो बेचारे ड्यूटी पर थे उनको अचानक कोरोना हो गया, तो कई लोग ऐसे होंगे जो उनसे ना मिले होंगे और वो नहीं जान रहे। ऐसी स्थिति में हम आपसे जानना चाहेंगे निर्मल कि आखिर वो कौन है, किस जगह पे रहते हैं और वर्तमान स्थिति उनकी क्या है। ठीक है आपने, और सबसे गंभीर जो बात है कि पुलिसकर्मी जो कि कोरोना के खिलाफ एक बहुत जोरदार और जबरदस्त जमीनी जंग लड़ रहे हैं,
यानी कि सीधे ग्राउंड जीरो पर जो पुलिसकर्मी हैं वो अगर प्रभावित होने लग जाएंगे तो निश्चित तौर पर स्थिति और ज्यादा भयावह हो जाएगी। और ये जो ताजा मामला, पहला पुलिसकर्मी ऐसा है जो कोरोना संक्रमित पाया गया, ये ऐशबाग थाने में पदस्थ सिपाही हैं और टीटी नगर जो कि हमारे स्वराज के दफ्तर से महज आधा किलोमीटर दूरी पर टीटी नगर थाने के पीछे जो मल्टी स्टोरीड पुलिस के लिए कॉलोनी बनाई है उसमें रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 14 परिवार इस कॉलोनी में रहते हैं, मल्टी स्टोरी में रहते हैं। ये मामला सामने आने के बाद पुलिस ने बहुत तत्परता और सजगता दिखाई है। आज सुबह ही जब हम इस कॉलोनी में गए तो वहां उसको कंटेनमेंट कर दिया गया, यानी कि वहां एक तरह से सील कर दिया आम भूलचाल की भाषा में, और वहां किसी को भी जाने की आने की अनुमति नहीं है। वो जो 14 परिवार उनके साथ रह रहे हैं, जिस मल्टी में रह रहे हैं, निश्चित तौर फ्लैट नुमा होगा, तो क्या उनको जो लोग हैं वहां उनको भी नहीं निकलने दे रहे हैं कि सिर्फ ये जिनको कोरोना हुआ है? मैं साथ में नाम भी जानना चाहूंगा आपसे कि किनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उनको केवल नहीं निकलने दे रहे हैं कि सबको फील कर दिया? देखिए, ये वीरेंद्र नाम के सिपाही हैं जिनको कोरोना पाया गया है, और जैसे कि आपने कहा तो पूरा का पूरा जो है स्टोरी, जो मल्टी स्टोरी है, उसको ही जो है कंटेनमेंट कर दिया गया, यानी कि किसी भी परिवार को बाहर आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और पुलिस अधिकारियों का जब इस बारे में हमने चर्चा की तो उनका यही कहना था कि चूंकि ये लॉकडाउन या ये जो घेरा जितना ज्यादा तंग और मजबूत रखा जाएगा उतना ही जो है कोरोना का प्रसार रोका जा सकेगा, और जो जरूरत की चीजें मुहैया वो उनको घर, जो परिवार है उनको घर पर ही कराई जा रही है, क्योंकि 14 परिवार है, कोई ज्यादा परिवार नहीं है, तो उनकी देखरेख जो है थोड़ा सा रोक लेना। बिल्कुल, मैं हमारे साथ, मैं आपके साथ लौटूंगा, लेकिन हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ यहाँ से जबलपुर से अरविंद, और साथ ही साथ हमारे साथ और भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले अरविंद से जान लेते हैं। अरविंद, जिस तरीके से वहां पर जो लोग संक्रमित हैं, जबलपुर में एक ऐसा कहा जा सकता है शहर जहां पर अंकुश पा लिया गया है लगभग, लेकिन अब ऐसे में वहां पर कौन कौन पीड़ित थे, और साथ ही साथ उनकी आइडेंटिफिकेशन आप हमें बताएं। साथ अरविंद, मेरी आवाज पहचान रहे हैं अरविंद? बिल्कुल 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 अरविंद, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, ये खबरें जो सकारात्मक खबरें हैं वो उतनी हमारे पास नहीं आ पा रही है, ये जरूर आ रही है खबरें क्यों दीपक, कि लगातार एक और मरीज बढ़ गया, मुरैना में बढ़ गए, यहाँ हम जबलपुर में जो 8 मरीज थे, जैसे भोपाल में 2 पिता और पुत्र, वो हमारे पत्रकार मित्र भी हैं, के सक्सेना, उनकी बेटी लंदन से लौट के आई थी, वो पॉजिटिव आ गए हैं, वो घर पहुंच गए हैं सकुशल। उन्होंने ये भी कहा है कि अब कैसे अकेले रहकर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये भी उन्होंने कहा। तो जबलपुर की क्या स्थिति है, और हम बिल्कुल ना छुपाते हुए किस मोहल्ले से है वो, खैर वो ज्वेलरी वाले परिवार हैं, वो कोई साथ है उनका, क्या पोजीशन है उनको, क्या आप हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटल जा करके क्या उनकी स्थिति है, कब तक वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे, थोड़ा सा डिटेल उनके नाम सहित जानना चाहेंगे जो भी है संक्रमित। त्रिपाठी सर और दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार नेगेटिव खबरें हम लोग प्रसारित करते आए थे, लेकिन जबलपुर से अब आपको जितनी खबरें मिल रही हैं और अब से जितनी देर तक हमारा डिस्कशन होगा वो सभी पॉजिटिव खबरें ही जबलपुर से मिलेंगी, कोरोना से संबंधित खबरें। यहाँ पर सबसे पहले मैं अब एक जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो ये है कि 8 संक्रमित मरीज जिन्हें आइसोलेट करके हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और उनका उपचार किया जा रहा है, वे सभी स्वस्थ प्रसन्न हैं, और इस वक्त लगभग ये स्थिति बन रही है कि हो सकता है कि शनिवार की शाम को या फिर रविवार की सुबह उन्हें अपने घर जाने दिया जा सकता है। ये वो 8 मरीज हैं जो 20 मार्च को सबसे पहले एक बार में 4 और उसके बाद में फिर एक एक दो दो करके इस तरह से इन मरीजों की पहचान हुई थी, इनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई थी। तो ये एक पॉजिटिव खबर जो सबसे पहली ये है कि 8 मरीज बेहतर कंडीशन में है, अस्पताल में चूंकि एक साइकिल होता है ट्रीटमेंट का तो वो ट्रीटमेंट पूरा कर रहे हैं और उनका इलाज चल रहा है, लेकिन स्वस्थ प्रसन्न है, अब घर जाने की स्थिति में है। उनकी अभी एक रिपोर्ट और आना बाकी है और लगभग माना जा रहा है कि वो रिपोर्ट भी नेगेटिव होगी। सीधी सी बात यह है कि 8 संक्रमित मरीज अब घर जाने की स्थिति में है, होम क्वारंटाइन में रहेंगे अगले 14 दिन तक, किसी से फिर नहीं मिल पाएंगे, मोहल्ले पड़ोस में नहीं निकल पाएंगे, ये एक अलग बात है, लेकिन स्वस्थ है, ये एक सबसे बड़ी खबर है पूरे मध्य प्रदेश में, सबसे सकारात्मक खबर है। लेकिन 20 मार्च के बाद की स्थिति का आकलन करके आपको बताना चाहेंगे मुकेश जी, सर मुझे आपकी आवाज मिल पा रही है? अरविंद, जब वो स्वस्थ हो गए हैं और स्वस्थ होने के बाद उनको घर जाने की स्थिति में है, तो फिर उसके बाद भी उनको क्वारंटाइन में रखा जाएगा क्या?
ये बात चिकित्सकों ने साफ कहा है कि 14 दिन तक उन्हें फिर होम क्वारंटाइन फेस करना पड़ेगा। अभी ट्रीटमेंट का ये पहला चरण था कि वे हॉस्पिटल के अंदर थे, उनकी दवाएं दी जा रही थी, उन्हें दवाओं के तहत उनको ठीक माना गया, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, एक रिपोर्ट और आनी है, हालांकि वो भी माना जा रहा है, चिकित्सकों का मानना है कि वो भी नेगेटिव ही आएगी क्योंकि इसके पहले की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो इसके बाद जब वो घर जाएंगे तब 14 दिन तक फिर उन्हें अपने घर में आइसोलेट रहना पड़ेगा, अपने परिवार के साथ या यदि जो परिवार में संक्रमित नहीं है उनसे भी उन्हें दूर रहना पड़ेगा, वे किसी से नहीं मिल सकेंगे और ना ही वे मोहल्ले पड़ोस में सड़कों पर उतर सकेंगे, अपने घर के दरवाजे के बाहर आ सकेंगे। ये इलाज का दूसरा फेज माना जाता है। तो इस तरह से वे 14 दिन तक होम क्वारंटाइन फेस करेंगे और उसके बाद फिर एक बार चिकित्सकों की टीम उनके घर जाएगी, उनकी जांच करेगी, फिर एक बार उनका टेस्ट सैंपल लिया जाएगा, आईसीएमआर जाएगा, फिर वो सैंपल फाइनल होगा। तब कुल मिलाकर जो 8 पेशेंट वहां हैं, जी जी, उन सब में किसी की स्थिति क्रिटिकल तो नहीं है, सब ठीक है, स्थिर है, ताकि बहुत सारे लोग बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल स्वस्थ प्रसन्न है, बढ़िया खाना खा रहे हैं और दवाइयां रेगुलर ले रहे हैं, साथ में कुछ कुछ हल्का उनको योगा भी कराया जा रहा है जिससे उनके अंदर जो अभी जो नकारात्मक बातें आ गई हैं वे बाहर निकल सके, वे अपने मन मस्तिष्क से पूरी तरह से स्वतंत्र हो सके, लोगों के बीच में संदेश भी ये जा सके कि कोरोना नाम की घातक बीमारी जरूर है लेकिन वो इस तरह से जानलेवा नहीं है, यदि उसका पहले डिटेक्शन हो जाता है तो वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और साथ ही अब घर जाने की वे तैयारी कर रहे हैं चिकित्सकों की अनुमति का इंतजार। अरविंद आप बने रहिए हमारे साथ, अरविंद हमारे साथ बने रहिए, दीपक हमारे साथ एक सहयोगी और हैं, बिल्कुल जान ले। मुरैना से अमन सक्सेना जुड़े हुए हैं जो कि मुरैना जो कि केंद्र इस वक्त कहा जा सकता है सबसे हाईलाइट है पूरे मध्य प्रदेश में। अमन, वहां पर जो पूरे एक दंपत्ति मिले थे उसके बाद लगभग 10 या 9 के करीब और पॉजिटिव पाए गए थे, उसी कॉलोनी के थे, उसी परिवार से थे, क्या था इनका परिवार का बैकग्राउंड, कौन है ये लोग? दीपक एक बार अमन, हम ये जानना चाह रहे हैं, दीपक हमारे सहयोगी साथ में, हम ये जानना चाह रहे हैं कि मुरैना से जो पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं वो किस मोहल्ले के रहने वाले हैं, क्या व्यवसाय था उनका, हम इसलिए ही हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जिस मोहल्ले में है वो, तो कम से कम हालांकि जागरूकता बहुत ज्यादा है सभी को मालूम होगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं कम से कम उस कॉलोनी से वो थोड़ा सा अपनी दूरी बनाए, उस कॉलोनी से मिलने वाले व्यक्ति से अगर कोई और व्यक्ति मिला है तो अपने आप को डॉक्टर के पास जाके परीक्षण करवाए या अपने आप को क्वारंटाइन कर ले, क्योंकि कोरोना एक चैन है और चैन को रोकना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। अमन, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए अमन, संपर्क जल्दी से संपर्क हो जाएगा। जिस तरीके से अभी अरविंद जी ने जो त्रिपाठी जी बात बताई कि सही होने के निगेटिव आने के बाद भी आपको 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना है, यानी कि उस दरमियान भी आपको किसी से नहीं मिलना है, वो विशेष आप चिकित्सकों ने बताया है, जैसा कि अब चाइना और अमेरिका और लंदन इटली इनके जैसे लोगों ने कोरोना का अभी इलाज नहीं ढूंढ पाए, बिल्कुल सब किंतु परंतु और संभावनाओं में चल रहा है, तो जब संभावनाओं में चल रहा है तो वो चूंकि एक बार हो गया है, अगर वो ठीक हो गए हैं, इम्यूनेशन पावर उनका जिनका अच्छा है वो ठीक हो सकते हैं, तो ठीक होकर के चले गए हैं, तो जैसा कि अभी वुहान में भी आपने चाइना में सुना होगा कि फिर से उसको लॉकडाउन कर रहे हैं पूरे, तो कहीं ऐसा ना हो, इसके पहले तो इस तरह कभी बीमारी आई नहीं, कि कहीं ऐसा ना हो वो बैक होता हो, इसलिए सावधानी के तौर पर उनको फिर से कि 14 दिन और रहिए आप, इसलिए क्वारंटाइन किया जा रहा होगा कि पहली बार बीमारी आई है, ये लौट के आती है नहीं आती है तो अभी हमारे चिकित्सकों को किसी को मालूम नहीं है, तो इसलिए उसके एहतियात के तौर पे ऐसी बात हुई होगी। अमन से अमन जुड़ गए हमारे साथ एक बार फिर से। अमन, जिस तरीके से अभी सर ने कहा कि वहां पर जो भी परिवार संक्रमित हैं उनके और पास के हम इसलिए जानना चाहते हैं, स्वराज एक्सप्रेस इसलिए ये दिखा रहा है, बता रहा है लोगों को, क्योंकि इस चैन को ब्रेक करना है, उनके और पास जो भी लोग मिले हों उनसे तो वो अपने घर में खुद को क्वारंटाइन कर लें, तो ये पहचान बताना जरूरी है, तो कौन वो दंपत्ति थे और कौन से वो लोग थे और मोहल्ला कौन सा है वो? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सर, ये मोरेना के महाराजपुरा का प्रेम नगर वार्ड क्रमांक 47 का मोहल्ला है, जहाँ पर एक दंपत्ति है जो दोनों ही कोरोना पॉजिटिव 2 तारीख को पाए गए थे। अमन, वार्ड क्रमांक 47 बहुत बड़ा होगा, हम निश्चित तौर पे वो बस्ती होगी
अगर आपको नॉलेज में हो, आपको मालूम हो, तो उस बस्ती का नाम बता दे और उस सज्जन का पूरा नाम बता दे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं दंपति, पूरा नाम बता दे अगर हो। बिल्कुल, इनका नाम है सुरेश रजत करके इनका नाम है, और इनका जो मुख्य जो इनका एरिया है वो सोलंकी पेट्रोल पंप के जस्ट सामने वाली गली में इनका एरिया, जो लैंडमार्क है सोलंकी पेट्रोल पंप काफी मशहूर है मुरैना में, वहाँ उसी गली में ये सामने रहते हैं जस्ट। हाँ जी, व्यवसाय क्या है? ये दुबई में, अभी दुबई से लौट कर आया, दुबई में एक होटल, एक निजी संचालक का होटल चलता है, होटल में ये वेटर का काम करते हैं। ठीक है जी, फिर से एक बार नाम बताएंगे। इनका नाम है सुरेश रजक। सुरेश रजक, सुरेश रजक नाम। और साथी जो 9 लोग और हैं वो इन्हीं के परिवार से हैं या फिर उसी क्षेत्र या उसी मोहल्ले या उन्हीं के आस पड़ोस के रहने वाले? इन्हीं के परिवार से हैं वो लोग, क्योंकि अभी इनके लौट के आने के बाद इन्होंने एक भोज का कार्यक्रम किया था जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की तादाद में लोगों का भोज का कार्यक्रम था, लोग उपस्थित भी हो, उनमें इनके परिवार के जो लोग हैं जो मुख्य तौर पर इनके संपर्क में थे वही कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, वो 12 लोग हैं टोटल। नहीं, जो भोज किस बात का किया था, 21 तारीख को लौट के आए हैं दुबई से? ये 17 तारीख को लौटे हैं, उसके बाद 20 तारीख को इनके घर में ब्रह्म भोज का कार्यक्रम था, जिनकी इनकी दादी जी शांत हो गई थी, उसका कार्यक्रम था इनके यहाँ पर। तो इनके 1000 लोग थे? बिल्कुल, 1000 से ज्यादा लोग भोज में उपस्थित हुए हैं। अब प्रशासन बस यही तलाश रहा है कि कौन कौन लोग उस भोज में उपस्थित हुए थे, क्योंकि मोहल्ले वाले, इनके रिश्तेदार, इनके मिलने वाले, वो सारे लोग भोज में उपस्थित हुए थे, खाना खाया है सभी ने, तो इसकी बड़ी चूक हुई है और प्रशासन अब इसको बार बार रिकवर कर रहा है। जो लोग भोज में आए थे उन सबको गाँव से ले लेकर आज प्रशासन लेकर आ रहा है आइसोलेशन करने के लिए। बिल्कुल अमन, दीपक यहाँ जरूरी हो गया है, निश्चित तौर पर स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से एक अपील उन लोगों से कर सकते हैं जो लोग भोज में शामिल हुए थे, उनको स्वराज एक्सप्रेस एक बार अपील आपके द्वारा आप करिए कि जो शामिल हुए थे कम से कम प्रशासन का वो सहयोग करें और प्रशासन के सहयोग के नाते वो खुद जा करके चिकित्सक से संपर्क करें और खुद या तो अपने आप को क्वारंटाइन करा लें या फिर उस अपनी जाके जांच करवाएं। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी हाल ही में, ये बताने से पहले मैं आपको ये और बता देता हूँ, हाल ही में जो खबरें चल रही, लोगों के अंदर जो डर बिठाया जा रहा है, आजकल सोशल मीडिया पर वीडियो चल रही है कि पॉलिथिन में बंद कर देते हैं, एक डब्बे में बंद कर देते हैं और फिर उन्हें टॉर्चर किया, ऐसा कुछ नहीं होता आइसोलेशन में। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, जो आपने चीन से या कुछ और जगह से जो वीडियोस देखे हैं वो सही नहीं है, आप आइसोलेट हो सकते हैं घर पे भी और हॉस्पिटल में जब आपको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है तो ऐसा कुछ नहीं होता। बड़ा अच्छा खासा बड़ा कमरा होता है, उस कमरे में सिर्फ आप अगर आइसोलेशन में क्वारंटाइन में हैं, अगर आप तो रखा जाता आपको खाना सब कुछ, और आपके पास चिकित्सक भी आएंगे, नर्सेस भी रहेंगी, आपके परिवार के लोग भी बाकायदे पूरी सावधानी के साथ जिस तरह से मास्क वगैरह पहन के मिल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, इसलिए उन 1000 लोगों से सबसे स्वराज एक्सप्रेस अपनी एक अपील करता है कि कम से कम जो रजक परिवार के संपर्क में आया हो वो परिवार जा करके प्रशासन को खुद बताए कि मैं उनके संपर्क में आया था, खुद जाके चिकित्सक से वो अपना जांच करवा सकता है और ये जांच 20 तारीख से आज लगता है 15 है, 15 हाँ, दिन में पॉजिटिव जिनका आना होगा तो 15 दिन में आ जाएगा। तो एक बार फिर सबसे कर्मबद्ध प्रार्थना है कि वो जाएं और अपनी जांच करवाएं। बिल्कुल, और ऐसे में सबसे अहम हो जाता है युवा। युवा कहते हैं मेरा तो इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, मुझे कुछ नहीं होगा, तो अक्सर वो घर से बाहर भी चले जाते हैं और ऐसी जगह पर चले जाते हैं या फिर ऐसे लोग उसमें शामिल हुए, लेकिन आपका हो सकता है कि इम्यून अच्छा हो, इम्यूनिटी अच्छी हो, लेकिन आपके माँ बाप घर में जो बूढ़े हैं या फिर आपसे रिलेटेड जो आपके घर में बूढ़े उनका इम्यून सिस्टम हो सकता है कि वो उतना स्ट्रांग ना हो, तो इसलिए आप अपने लिए ना सही अपने परिवार के लिए और अपनों के लिए कोशिश करें कि जाएं और एक बार जांच कराएं और खुद को जब तक क्लियर नहीं हो जाता 14 या 15 दिन हो नहीं जाते खुद को होम क्वारंटाइन जरूर करें। और अमन, आप तो नहीं मिले, आप गए थे उस भोज में, आप तो नहीं मिले थे? के द्वारा तो बहचान रिश्तेदार थे, वो पहले बैरिकेड कर दिया गया है, जब ये लोग आइसोलेट हुए थे उसके बाद से ही वो मोहल्ला सील कर दिया गया था, तो वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो उस भोज में शामिल नहीं हुए थे या उस परिवार से आपने तो हाथ हाथ नहीं मिलाया था? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, हम किसी भी प्रकार से किसी भोज में शामिल नहीं हुए हैं जी। चलिए, आप भी अपनी सावधानी बरतिए। अरविंद जी, आप तो एक बार हॉस्पिटल भी आए हैं, आपका भी दुआ सलाम हुआ है क्या उन लोगों से? बिल्कुल बिल्कुल, मुकेश अग्रवाल जी से और उनके परिवार के लोगों से, उस वक्त वो 4 लोग ही वहाँ पर थे और हम लोग वहाँ पर गए थे, लेकिन एक दीवार थी और उसके बाद अंदर जाने हम लोग को नहीं दिया गया था। और वहां पर वो जो व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे थे, दीपक जी और आप अभी डिस्कशन कर रहे थे कि लोगों के बीच में ये भ्रांतियां हैं कि आइसोलेशन वार्ड में वहां पर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, इस तरह से टॉर्चर किया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइसोलेशन वार्ड जहां पर भी बनाए गए हैं पूरे प्रदेश में, वो एक सबसे अच्छे और बेहतरीन वार्ड है, खुले हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत बढ़िया है,
अच्छे वहां पर बिस्तर है, साधन है, टीवी लगा हुआ है एंटरटेनमेंट के लिए वहां पर, और साथ में एक खुला हुआ लॉन भी है जिस पर यदि वे चाहें तो यदि वे अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो कुछ देर वहां पर भी टहल सकते हैं, कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। सुबह वहां पर नाश्ता मिलता है, दोपहर का खाना मिलता है, शाम की चाय मिलती है, रात का भोजन मिलता है, सब कुछ चिकित्सकों की निगरानी में होता है। कम से कम 10 बार वहां पर वरिष्ठ चिकित्सक जाते हैं, जांच करते हैं, नर्सेस और वहां पर वार्ड बॉय का, स्वीपर का लगातार वहां पर आना जाना बराबर बना होता है, तो वहां पर तमाम तरह की सुविधाएं होती हैं। बहुत बेहतर अच्छे ढंग से वहां पर ट्रीट किया जाता है, किसी भी तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं होता है। साथ में काउंसलर वहां पर समय समय पर जाते हैं, सुबह और शाम वे काउंसलिंग करते हैं जिससे किसी भी तरह का कोई डिप्रेशन ना आने पाए ऐसे मरीज को जो कि कोरोना से संक्रमित है। तो इस तरह की जो भ्रांतियां यहां पर फैली हैं उनको हम अपने चैनल के माध्यम से दूर करना चाहते हैं, और हम बताना चाहते हैं कि स्वराज एक्सप्रेस ही एक ऐसा चैनल है जो उस दौरान आइसोलेशन वार्ड के पास तक पहुंचा था जब वहां पर मरीज सबसे पहले वहां पर थे। और आपको बता दें कि जबलपुर में, मध्य प्रदेश में ही सबसे पहले जबलपुर में संक्रमित मरीज आए थे, 4 मरीज थे, और सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस ने वहां का निरीक्षण किया था, भले ही दूर से किया था, जितना चिकित्सकों ने परमिशन दी थी, लेकिन किसी भी तरह की जो इस तरह की जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं वो उस तरह की नहीं थी। एक बात और मैं साफ करना चाहूंगा यहाँ पर, यदि मुझे आपसे मैं बताना चाहूंगा कि मुकेश अग्रवाल जो कि सोने चांदी के बहुत बड़े कारोबारी हैं, इनका एक बहुत बड़ा कारखाना चलता है, सोने चांदी के जेवर बनाए जाते हैं, इन्होंने 3 क्षेत्रों में भ्रमण किया था। पहला तो ये जो यहाँ पर रहते हैं, जो गोल बाजार क्षेत्र इनका घर है वहां पर, और घर के अलावा कचाना क्षेत्र में इनका शोरूम है, और सराफा बाजार में इनका आना जाना था। 3 जगह पर इनका मूवमेंट पाया गया था, जिला प्रशासन ने तीनों जगहों को सबसे पहले प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया, यहाँ पर किसी भी अनजान व्यक्ति का आना और जाना प्रतिबंधित कर दिया। जो लोग रह रहे हैं अभी बाहर नहीं जा सकते, और जो बाहर रह रहे हैं वो अंदर नहीं आ सकते, ये प्रतिबंध अभी भी जारी है। परसों अभी हमने समाचार में अपनी खबरों पर चैनल में मैंने अपने खुद वॉक थ्रू में लिखा है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है दीपक, और हमें लगता है आपने इतना बढ़िया आइसोलेशन वार्ड का व्याख्यान किया है कि हमारे दीपक सोच रहे हैं कि कुछ दिन 12-13 दिन ऐसे ही वार्ड में चले, बहुत अच्छा है, ऐसा तो नहीं, लेकिन वहां से आजर होने के बाद आ नहीं पाओगे। बिल्कुल वहां पे, हाँ, आने नहीं दिया जाता। और दूसरी बात ये है कि डिस्टेंस, अभी उन्होंने बोला कि पर्दा रखी जाती है, दीवार रखी जाती है, लेकिन उन्होंने इतना व्याख्यान किया कि टीवी है, मनोरंजन के सारे साधन है। आपका मन तो मन फिलहाल नहीं है सर, चले, लेकिन बिल्कुल अरविंद जी आपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और दूरी और सावधानी बनाए। अरविंद जी आप तो ये जो प्रशासन ने सख्ती बरती उसके पहले तो नहीं आप चले गए थे सराफा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं गया सराफा में, वहाँ काफी स्वराज चैनल के मित्रगण भी हैं, पहचान के भी हैं, और आपके परिवार के लोग भी वहाँ पर रहते हैं, थोड़ा नजदीक पे दीक्षितपुरा में। पंकज पटेरिया साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं जो समय समय पर हम सबको अपडेट भी करते रहते हैं, तो पत्रकारों का एक ऐसी एकजुटता है जबलपुर में कि सभी ने इस तरह की खबरों को बराबरी से प्रसारित, प्रचारित और प्रकाशित किया कि इसका नतीजा ये हुआ कि पूरा शहर जागृत हुआ। सभी लोग सड़कों पर तो नहीं आए, घरों के अंदर थे, अपने अपने क्षेत्रों को सबने क्वारंटाइन किया। देखो और बताना चाहूंगा आपको मैं, अर्जुन समय कम है, हम और बहुत सारे जिलों में जाना चाहेंगे, अपने स्वराज के दर्शकों को अलग अलग बताना चाहेंगे कि वहां क्या स्थिति है। आपने अच्छा खासा टाइम ले लिया, हाँ आप का हक बनता भी है, आपने कहा सबसे पहले जबलपुर में ही कोरोना पेशेंट पाए गए थे और सबसे पहले स्वराज ने ही उसको ब्रेक किया था और बताया था। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद देना चाहिए हमारे ये योद्धा हैं जो मैदान में डटे हुए हैं, आपके बहुत शुक्रिया अरविंद जी, और हमने आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ विनोद हो गए, विनोद जिस तरीके से देखा जाए ग्वालियर में, सबसे पहले जानना चाहूंगा स्थिति क्या है और वहां पर कौन कौन से लोग जो थे जो पॉजिटिव पाए गए थे या फिर क्वारंटाइन है। सबसे पहले विनोद दीपक की तरफ से मैं एक और सवाल कर रहा हूं, मैं मेरा उद्देश्य स्वराज एक्सप्रेस का उद्देश्य आज ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनभिज्ञ हैं, जिनको नहीं मालूम है कि किस मोहल्ले से किस घर से अमुक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हो सकता है वो 2 दिन 10 दिन 15 दिन पहले उस व्यक्ति से जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उसका नाम बहुत प्रकाशित नहीं हो रहा, मैं भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उस चैन को ब्रेक करना चाहता हूं जिस कोरोना पॉजिटिव से अगर कोई व्यक्ति मिला है वो पहचान जाए, जान जाए, अपने आप को क्वारंटाइन कर ले, और वो किस किस से मिला है उसको एहतियात के तौर पर उसको इतला दे दे। इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूं उस मोहल्ले उस घर का नाम भी अगर आपके पास है तो आप बताइए उसको, और ये स्थिति बाद में बताइए कि आप ग्वालियर में जो पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं उनकी क्या स्थिति, क्योंकि हमारा मकसद इस चैन को ब्रेक करना है।
देखिए ग्वालियर में दो पेशेंट पॉजिटिव पाए गए थे, एक तो अभिषेक मिश्रा और एक अशोक कुमार। अभिषेक मिश्रा हैं वो चेतकपुरी के बी ब्लॉक में रहते हैं, और जो अशोक कुमार हैं वो बीएसएफ के जो टेकनपुर एकेडमी है उसमें सूबेदार हैं। बीएसएफ की जो टेकनपुर एकेडमी है उनकी पत्नी लंदन से आई थी और वो कुछ दिनों से पीड़ित थी, उनका तो उपचार हुआ और वो ठीक हो गई, लेकिन उनके जो पति हैं वो इससे पीड़ित हो गए और उसके बाद उनका जो रिपोर्ट आई पॉजिटिव आई, उसके बाद उनको जिला अस्पताल लाए जहां पर उनको आइसोलेट किया गया। इसके अलावा जो अभिषेक मिश्रा हैं ये चेतकपुरी इलाके में रहते हैं, बी ब्लॉक है इनका, और वो कुछ दिनों पहले खजुराहो गए थे, उसके बाद वहां से जब वापस आए उनको परेशानी हुई और उसके बाद जब उनका टेस्ट किया तो पॉजिटिव आए। हालांकि बाद में सुखद बात ये रही त्रिपाठी जी कि वो चार दिन बाद जब दोबारा से उनका टेस्ट किया गया तो वो निगेटिव आया, तो ये एक अच्छी बात रही। हालांकि उनको आइसोलेट रखा है और उनको अभी भी करीबन 10 दिन के लिए और रखा जाएगा ताकि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए और उसके बाद उनके घर पर जाया जाए। चेतकपुरी वह इलाका है जो शहर के बीचों बीच में बना है और जो हमारे ऑफिस से कुछ दूरी पर है जो जहां पर ये पूरा मामला है, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये मामला सामने प्रशासन के आया, प्रशासन ने पूरे इलाके को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, किसी को भी बाहर आने जाने की किसी तरह से इजाजत नहीं दी गई थी और यहां तक सैनिटाइजर कराया गया पूरे इलाके को, और ये इलाके को लॉकडाउन पहले से ही कर दिया गया था और अब तो टोटल लॉकडाउन है लेकिन इसको पहले से लॉकडाउन कर दिया गया था। इसके बाद ये गनीमत रही कि ग्वालियर में कोई दूसरा केस अभी निकल कर नहीं आया। ये जो अशोक कुमार थे ये टेकनपुर से आए थे और टेकनपुर से आकर उनका उपचार चल रहा है, उसके बाद टेकनपुर में अन्य अधिकारी कर्मचारियों के भी जो टेस्ट किए गए वो पूरी तरह से निगेटिव आए। इसके अलावा जो अभिषेक मिश्रा हैं इनके परिवार और आसपास के लोगों का जो टेस्ट कराया गया था वो भी पूरी तरह से निगेटिव आए, तो ये राहत भरी बात है। लोग यहाँ पर सजग हो चुके हैं, पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और उनको पता है कि कौन से इलाके में क्या हुआ था, या कारण है कि उस इलाके में वो नहीं जा रहे हैं। और इसकी वजह से प्रशासन ने, चूंकि जैसे मुरैना में जो अभी पॉजिटिव आए हैं 12 लोग, उसके बाद पूरी सीमाओं को सील्ड कर दिया गया है। और आपको मैं ये भी बताऊं कि ग्वालियर और मुरैना की दूरी ज्यादा नहीं है, अधिकतर जो ग्वालियर में लोग रहते हैं वो भिंड के रहते हैं, मुरैना के रहते हैं। यही कारण है कि ग्वालियर में मुरैना का कोई व्यक्ति ना आ जाए, इसको लेकर प्रशासन ने 2 दिन से लगातार पूरी सीमा इतनी सील कर दी है कि वहां इंसानों की तो बात छोड़ो, उधर से मुरैना की तरफ से किसी तरह से कोई जानवर भी नहीं आ सकता। तो ये प्रशासन की एक चौकसी कहेंगे इसको, प्रशासन की एक सतर्कता कहेंगे कि प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। अगर एक भी व्यक्ति मुरैना से जी, तकनीकी कारणों से आवाज नहीं आ रही, अगर आवाज आएगी मैं फिर से आपके पास आऊंगा। मतलब ग्वालियर बड़ा शहर है, बिल्कुल मुरैना से, इसमें भी आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो विदेश, उनकी पत्नी विदेश से आई, लंदन से आई, उसके कारण तो जो बाहर दुबई से आने वाला यहाँ भी जो अपने भोपाल में कोरोना पॉजिटिव आया वो लंदन से आया, तो ये देखा जाए इसमें ये कि जो बाहर से आए, ब्रॉड से आए, भी आए हैं, हाँ। वो लेकर के आए हैं, खुद नहीं आया लेकर आए, मैंने हिंदुस्तान में कोरोना अपने आप ओर से नहीं आया है, ये सबसे बड़ी बात है, लोग लेकर आए हैं। तो मोदी जी भी यही कह रहे हैं कि अगर आप लेने नहीं जाएंगे तो आपके घर नहीं आएगा, अब घर बचाना है, देश में तो आई गया, तो अभी भी तो लोग निकल रहे हैं शहरों में, लेने तो जा ही रहे हैं, जिसको आ गया है उसके पास लेने ही तो जा रहे हैं। हाँ। अगर प्रशासन इतनी शक्ति बरत रहा है और उसके कारण है, खुद प्रशासन ही नहीं चाहता है कि वो इस तरह से कर्फ्यू लगाए, प्रशासन के हमारे पुलिस के कर्मी हैं, हमारे चिकित्सक हैं, हमारे प्रशासनिक अन्य जो कर्मचारी हैं, हमारा मीडिया पर्सन है, मीडिया पर्सन अपने जो हमारे रिपोर्टर हैं बाहर काम कर रहे हैं, जो हमारे आउटपुट इनपुट सब जगह जो काम कर रहे हैं, ऐसी कठिन घड़ी में भी आ रहे हैं, उन सबको सल्यूट कर रही हूँ कि वो आ रहे हैं, वो आपको खबर दे रहे हैं, इस कारण आप अलर्ट हो रहे हैं। आज भी हम जो स्वराज एक्सप्रेस का ये प्रोग्राम जो हो रहा है वो सिर्फ ये अलर्ट करने के लिए, जैसे उन्होंने बताया कि किस मिश्रा जी का उसमें रहते थे, सुबेदार साहब किस में रहते थे, उनसे कौन कौन मिले और वो सारी चीजें क्या हुई, तो निश्चित तौर पे ये जानकारी अगर हमारे स्वराज एक्सप्रेस देख रहे होंगे तो उनको अगर जानकारी हो गई कि उन अमुक दोनों व्यक्तियों से मिले हैं, वो अपने आप को एहतियात के तौर पर क्वारंटाइन करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल विनोद एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। विनोद, जिस तरीके से देखा जाए आपकी आवाज नहीं आ रही थी, सर आपको कोई सवाल पूछ सकते हैं? आपसे आखिरी सवाल है वही, क्या अब क्या स्थिति है, क्या दोनों जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे क्या उनका हाल समाचार, आप हॉस्पिटल में पहुंचे थे? और अरविंद दुबे जी ने एकदम बढ़िया व्याख्यान किया कि आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटाइन वार्ड जो है, जो रूम्स है वो एकदम बढ़िया है, लाल लगा हुआ है,
और वहाँ आप टहल सकते हैं, मनोरंजन के साधन है, टीवी भी लगा हुआ है, खाना बढ़िया, जो आप मांगे वो खाना भी मिलता है। तो आपने वहाँ क्या देखा है? हमारे दीपक जी थोड़ा सा विचलित हो रहे हैं, सोच रहे हैं अगर इतनी बढ़िया व्यवस्था है तो चलिए 12-13 दिन की छुट्टी ले ली जाए और आराम कर लिया जाए। देखिए त्रिपाठी जी, जो लोगों में भ्रम था और जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते थे और जो दिखाया जाता था कि चीन में इस तरह से हालात होते हैं या पॉलिथिन में बंद कर दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम दर्शकों से अभी भी कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनको जरा भी कुछ एहसास इस तरह का होता है तो वो जाकर चिकित्सक को अपने बता सकते हैं। जो बेड बनाए गए हैं, आइसोलेशन बेड बनाए गए हैं, वो इतने अच्छे तरीके से बनाए गए हैं क्योंकि सरकारी अस्पतालों में अमूमन ऐसा होता नहीं है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि वहां पर अच्छे पलंग की व्यवस्था की गई है, अच्छे कमरों की व्यवस्था की गई है, उसमें पंखे हैं, सारी व्यवस्थाएं उसमें है। इसके अलावा टीवी है, आप वहां पर बोर नहीं हो सकते हैं, आपको मोबाइल उपलब्ध कराया जाता है, अच्छे तरीके का हाइजेनिक वहां पर खाना दिया जाता है। तो अगर कोई वहां जाकर 10-15 दिन के लिए अगर उसको लगता है कि मेरे को इस तरह से आवश्यकता है, आइसोलेशन होने की आवश्यकता है, आइसोलेट होने की आवश्यकता है, तो वो जरूर अस्पताल में जा सके। लेकिन लोगों ने भ्रम फैला दिया है कि अगर किसी तरह से किसी ने चिकित्सक को पता चल गया कि इसको कोरोना पॉजिटिव हो सकता है तो उसको जबरन बंद कर देंगे, उसके परिवार वाले भी उससे नहीं मिल सकते हैं और ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि वो लौट कर वापस नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी लोग ठीक हो रहे हैं, 65 साल से 70 साल के लोग ठीक हो रहे हैं जैसा हम समाचारों में लगातार देखते आ रहे हैं। और स्थिति यही है कि जो भी अगर व्यक्ति को अगर कोई कुछ परेशानी है तो वो डॉक्टर से बेफिक्र होकर जाए, बातचीत करें। और ग्वालियर प्रशासन ने बाकायदा यहाँ पर एक कमांड सेंटर है स्मार्ट सिटी का, उस कमांड सेंटर में व्यवस्था की है कि मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल के जरिए आप अपनी समस्या बताइए, उनका उपचार कराएंगे, वहीं से बैठकर चिकित्सक बैठे हुए हैं व्हाट्सएप कॉलिंग के लिए, और अगर उनको लगता है कि आपको चिकित्सक की आवश्यकता है तो वहां से उसको लेकर आने की व्यवस्था है। इसके लिए बाकायदा एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, सब कुछ ठीक तरीके से जो किया गया है और इसको कतई घबराने की बात नहीं है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जो एक तरह से कोरोना की जो लड़ाई है वो जहां सामाजिक दूरी तो है, सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही, लेकिन लोगों में जागरूकता भी होनी चाहिए। जो भ्रमित तरह से हम आपको रोकेंगे, आप हमारे साथ रहिए, विनोद आपको रोकेंगे, आप जरूर अपने आप एहतियात बरतिएगा, आप बाढ़ की जिस तरह से आपने भी व्याख्यान किया, आप आइसोलेट मत हो जाइएगा, अभी बहुत जिम्मेदारी है आप पे, ग्वालियर मुरैना भिंड सब जगह की पल पल की जानकारी देनी है, कोरोना से लड़ना है, स्वराज एक्सप्रेस को लड़ना है, इसलिए आप आइसोलेट मत हो जाइएगा, थोड़ा सा विकास को बिल्कुल। लेकिन त्रिपाठी जी, ये देखा ग्वालियर के लोग कितना सतर्क है, विनोद जी के अभी और भी संवाददाता जुड़े थे, लेकिन विनोद जी मास्क वास्क लगा के तैयार हैं तो उससे वहां लग रहा है कि वहां जागरूकता ज्यादा है। और हमारे इंदौर के विकास सोलंकी वहां पर सबसे ज्यादा, लेकिन उसको नीचे कर लिया, जब भी ये लाइव में आते हैं बिना मास्क के दिखते हैं। बिल्कुल, क्यों विकास आप जा रहे हैं भाई, कुछ तो एहतियात बरतिए, फील्ड में हैं आप जब भी लाइव में हमारे साथ आते हैं। देखिए विनोद जी, पूरी तरह से अभी आप पे बहुत जिम्मेवारी है, आप मास्क नहीं लगाए होते, सैनिटाइज नहीं करते, हाथों को नहीं धोते हैं, ऐसा सुनने में आया है। पर खैर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे विकास की आज का जो ये प्रोग्राम है स्वराज एक्सप्रेस दे रहा, वो ये बताना चाह रहा है कि इंदौर के किस मोहल्ले से कौन व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अगर वो उस व्यक्ति का नाम और मोहल्ला हम बताते हैं तो उसके संपर्क में आने वाले जितने भी लोग रहे होंगे 10 दिन 12 दिन 15 दिन में वो सतर्क हो जाएंगे। मुझे उनको सतर्क करना है और वो सतर्क होंगे तो वो अपना टेस्ट कराएंगे, उनके घर परिवार में आगे न बढ़े और इस चैन को, जैसा कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, चैन को ब्रेक किया जाए। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर आपके पास ये सारी जानकारी है तो बिल्कुल, कि कौन मोहल्ला है, कौन लोग हैं और किस परिवार से जुड़े हैं, क्या व्यवसाय है उनका। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मोहल्लों की तो सबसे पहले जो पॉजिटिव मरीज, जो खासे मरीज जहाँ मिल रहे हैं, इंदौर के रानीपुरा इलाका है, खजराना इलाका है, आजाद नगर है, मुसाखेड़ी है, ये मुस्लिम बाहुल बस्ती है, इनमें से सबसे ज्यादा जो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं उनकी भारी तादाद है। अगर बात की जाए तो इंदौर की, तो इंदौर में सिर्फ एक ही विदेश यात्रा से आया था, बाकी सब जो दूसरे के लोग हैं चर्च में होकर आए हैं उन्हीं कोरोना पॉजिटिव मिला है। जो परिवार के लोग हैं, उनके जो परिजन थे, उनके जो पड़ोसी थे, उन्हें ही कोरोना पॉजिटिव के लक्षण लगातार पाए गए, उनकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। वहीं अगर बात की जाए तो छावनी जो है, छावनी के अंदर एक अग्रवाल परिवार है जिसका पूरा परिवार उस तरह घूमने गया था, उसी दौरान वहां से उन्हें कोरोना पॉजिटिव की। घूमने कहां गया था अग्रवाल परिवार, घूमने कहां गया था और अग्रवाल परिवार का व्यवसाय क्या है? जैसा आपने आजाद नगर और दो तीन रानीपुरा वगैरह का बताया तो क्या आपके पास उनके नाम है? खैर नहीं हो तो क्या ये मरकज में गए थे क्या?
जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया जो अग्रवाल परिवार है उनका व्यवसाय वो व्यापारी है, और पुष्कर अपने बेटी और अपनी पत्नी के साथ घूमने गए थे, वहां से उनमें जो कोरोना पॉजिटिव के लक्षण मिले थे। वही अगर बात की जाए जिससे मैंने आपको बताया रानीपुरा हुआ, खजराना हुआ, आजाद नगर हुआ, अगर कल की ही बात करें तो पश्चिम क्षेत्र के अंदर अंबिकापुरी से भी एक मरीज पाया गया है। वही अगर बात करें इंदौर के शुक्लिया के अंदर भी मरीज है, हालांकि इंदौर के अंदर जो संख्या है वो ज्यादा है, 115 लोग जो है वो है, इसलिए नाम बताना उनका वो नहीं रहेगा। समझ पा रहा हूं। अगर बात चाहे तो कोरोना पॉजिटिव के टच में आए हैं, अगर बात करें जिस तरह से बाजार खुले थे, किराना की दुकान खुली थी, भीड़ भड़कता है बूथ के लिए लग रहा था, जो एक दूसरे के टच में आए, एक दूसरे के जो पॉजिटिव मरीज उनके टच में आए, वैसे ही लोग जो है उनमें विकास। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिले हैं, ऐसा क्षेत्र कौन सा, रानीपुरा है या खजराना है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है? जी अगर सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज की बात की जाए तो इंदौर के अंदर तीन क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। एक रानीपुरा क्षेत्र है, वहां पर जो है ज्यादा पॉजिटिव मरीज पाए गए, वही खजराना और आजाद नगर, ये तीन क्षेत्र जो है इसको लेकर इंदौर कलेक्टर ने भी कहा कि इन तीन क्षेत्रों को लेकर लगातार वो जो स्पर्श में कोरोना पॉजिटिव क्या है उनकी स्कैनिंग की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है लगातार उन क्षेत्रों में जाकर घरों से जो लोग को कर रही है। अगर आज की ही बात की जाए तो आज छावनी स्थित एक परिवार है जिसको कोरोना पॉजिटिव आज ही लग रहा है। परिवार किस संप्रदाय का है आप खुल के बताइए, जिससे उससे मिलने वाले लोग बाकी लोग सतर्क हो सके, आप खुल के बताइए। यहाँ देश सबसे बड़ा है, धर्म संप्रदाय सब पीछे है इसके, इसलिए इसको खुल के बताइए कौन मिलने वाले हैं और खजराना में किस संप्रदाय के ज्यादा लोग रहते हैं। और जैसा कि सुनने में आया है कि मरकज से आए लोग जब यहाँ पहुंचे हैं तब पेशेंटों की संख्या ज्यादा बढ़ी है। और रानीपुरा ही वही क्षेत्र जहाँ पर हमला हुआ था टीम पर, मेडिकल। जी विकास जी, जी अगर बात की जाए तो जो अधिकतर जो इंदौर के अंदर कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए 90% जो है वो मुस्लिम आबादी क्षेत्र है, और मुस्लिम लोगों के अंदर ही जो है कोरोना पॉजिटिव है। जी नहीं, क्यों मुस्लिम आबादी, क्या वो मरकज है, क्यों मुस्लिम आबादी में कोरोना क्यों पाया जा रहा है? चलिए अभी संपर्क टूट गया विकास से, लेकिन विकास हम आपसे जुड़ेंगे, लेकिन तब विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन त्रिपाठी जी, एक तरीके से ये देखा जाए कि लोग आइसोलेट खुद को नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हाँ। ये जो डर है, डर है एकदम। मैं आपको एक प्रोग्राम बताता हूँ। हाँ। तो हमारे एक रिलेशन में ही है, कुछ दिन पहले उनको कहीं बाहर से आना था, वो बार बार हम अप्रोच कर रहे थे कि मुझे एंटर करना है, मुझे अपने किसी और रिश्तेदार परिवार को लेके वापस जाना है। तो मैंने कहा आप तो बोले नहीं नहीं तो हम वो बोले कि पुलिस रोक रही है यहाँ। तो हमने कहा पुलिस के पास जाइए, आपकी मदद होगी, आप पहुंचिए। तो वो उनका पहला यही वो था कि मुझको कहीं क्वारंटाइन न कर दे, तो 12-13 दिन क्वारंटाइन कैसे रहेंगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो ये स्थितियां हैं, लोग क्वारंटाइन और आइसोलेशन से कर रहे हैं 13-14 दिन, अभी भी लोग आइसोलेट हैं घर में। तो एक तरीके से जैसे अमिताभ बच्चन ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि इससे जैसे स्वच्छ भारत अभियान हमने जन जागरण बनाया था, जैसे हम वोट करने जाते हैं तो सेल्फी की फोटो लोग तारीफ करते हैं, तो क्या उस तरीके से हमें ऐसे नहीं बनाना चाहिए कि अगर कोई भी आइसोलेट होता है तो हमें उसे प्रोत्साहन करें, जिससे उसको ये ना लगे कि हम मरीज हैं या फिर हम किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो घृणा कर रहे हैं लोग हमसे। ये भी कारण ये चीज हो गया है ना। हाँ। मैं चाहूंगा एक बार हमारे जो पत्रकार मित्र हैं किसके सक्सेना, उनसे अगर बातचीत हो जाती है, जो कल ही उनकी बेटी और वो पॉजिटिव जो थे वो निगेटिव, उनकी 3 बार रिपोर्ट निगेटिव आ गई, वो घर पहुंच गए और उन्होंने ऐसे सामान्य बात को उन्होंने बताया कि हम तो बढ़िया 14 दिन किस तरह से निकाले, बड़े खुश होकर निकाले। एक बार चाहेंगे कि हम उनसे फोन उठा नहीं रहे, संपर्क कर रहे स्वराज एक्सप्रेस लेकिन वो फोन अटेंड नहीं कर रहे। तो ये मैसेज हम देना चाह रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस की, नहीं ऐसा नहीं है। उदाहरण देख लीजिए, उन्होंने फोन नहीं उठाया ये सोच के पता नहीं क्या पूछे क्या पूछे। एक बार फिर विनोद के पास चलते हैं। विनोद, थोड़ा सा मैं भिंड और आसपास शिवपुरी इनकी भी जानकारी आपसे जानना चाहूंगा, वहां क्या स्थितियां हैं और क्या ग्वालियर में ऊपर वाला ना करे, भिंड में, मुरैना में, अगर इस तरह से ये जिस तरह उन्होंने बताया मुरैना में कि 1000 लोगों को उनके संपर्क में आए थे, निश्चित तौर पर ये फैला हुआ होगा, तो सबसे बड़ी बात है क्या आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था है, वेंटिलेटर, कोरोना अगर आगे बढ़ता है, थर्ड स्टेज में जाता है तो वेंटिलेटर, सांस लेने में बड़ी तकलीफ जाती है तो वेंटिलेटर की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो क्या वहां इतने पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर है? विनोद देखिए, मुरैना में ज्यादा वेंटिलेटर नहीं है, वहां 2 से 3 वेंटिलेटर हैं, ग्वालियर में केवल 10 से 12 वेंटिलेटर हैं और भिंड में केवल 2 वेंटिलेटर हैं। इसके अलावा ज्यादा वेंटिलेटर यहाँ नहीं है, वो भी बिरला अस्पताल है, यहाँ रोग अस्पताल में है और प्राइवेट अस्पतालों से भी ये मदद मांगी गई है। लेकिन पंडित जी, इसमें सबसे बड़ी
भिंड मुरैना ग्वालियर में देखने में आती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो तेरवी है, जब किसी के मरने के 13वें दिन बाद उनका गंग भोज होता है, ब्रह्म भोज होता है जिसको कहते हैं, तो उसमें इतनी प्रतिस्पर्धा है कि 1000 तो इन्होंने अमन जो कहा वो 1000 जो लोग हैं वो बड़ी कम संख्या बताई है। भिंड में कम से कम 10-10 हजार लोगों का, 15-15 हजार लोगों की तेरवी हमने होते देखी है। तो कम से कम इस दौर में इन लोगों को ये चीजें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने लोगों को भोजन कराने से जरूरी नहीं है कि उनके जो दिवंगत हो गए उनकी आत्मा तृप्त होगी कि नहीं होगी, लेकिन जो वर्तमान में जिंदा है वो जरूर खतरे में पड़ सकते हैं। तो प्रशासन को ये चाहिए कि जो ग्रामीण क्षेत्र में उनमें कम से कम ये जो तेरवी है, गंग भोज है, इस पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो लॉकडाउन कर दिया गया, शहरी क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ये स्थिति देखने को मिल रही है कि गंगभोज हो रहे हैं, भागवत कथा जैसे आयोजनों के भंडारे चल रहे हैं, इसमें रामायण के पाठ चल रहे हैं। अब चूंकि जिस तरह से हनुमान जयंती आने वाली है तो कई तरह के आयोजन और प्रयोजन होते रहेंगे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी ये पहुंच चुका है जिस तरह से मुरैना से जो ये थोड़ा सा आपके पास स्वराज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्यनारायण जी, एस पी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ त्रिपाठी जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। बस बढ़िया, नमस्कार, कैसे हैं? हम आपकी आपकी सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी सब सुन रहे हैं सत्यनारायण जी, जैसे पता चला मैं आपसे मिलना चाह रहा था, आपके थोड़ा सा सहानुभूति के तौर पे, लेकिन आप मर्द आदमी है, शेर दिल है, हमने सोचा सहानुभूति की क्या जरूरत है, आपने जिस तरह से जिंदा दिली से सबको कोरोना को पछाड़ते हुए और हमारी भतीजी पछाड़ते हुए घर लौट आए हैं, कैसे रहे आपके 14 दिन? मेरे 14 दिन बहुत अच्छे गुजरे। कोरोना से जीतने के लिए सिर्फ धैर्य, हिम्मत और साहस की आवश्यकता है। आदमी अपना आत्मबल बना के रखे तो कोरोना से विजय आसानी से प्राप्त की जा सकती है। नहीं, हम थोड़े से लोग क्वारंटाइन और आइसोलेशन से डर रहे हैं कि ये क्या होता है, ये आप क्वारंटाइन में है 14 दिन, थोड़ा सा ये आप अगर अपने खुद जवान से खुद बता देंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, किस तरह से रहे आप 14 दिन, आप अपना पूरा 14 दिन का थोड़ा सा अगर डिटेल में बता देंगे कि कैसा रहा, क्या रहा, आप परिवार से मिलते रहे, किससे मिलते रहे, तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए क्वारंटाइन में मिलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, डॉक्टर भी आपसे 10 फीट दूर खड़े होकर बात करते हैं, नर्स भी आपसे कहते हैं दूर से ही व्यवहार करती हैं, चाहे उनको आपका ब्लड प्रेशर लेना हो चाहे टेम्परेचर लेना हो, दूर ही रहता है, मेल मुलाकात किसी से नहीं होती, लेकिन फोन पर बात निरंतर होती है रही। और इस दौरान बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, अपने आत्मबल को मनोबल को बनाए रखें। मैंने 14 दिन वहां पर गीता को पढ़ा, ओशो को पढ़ा, और गीता प्रेस गोरखपुर की कई पुस्तकें मैंने वहां पर पढ़ी, और जो मेरा पत्रकारिता का धर्म है लेखन का वो भी पूरा किया और उसको भी लिखा। भोजन पानी वगैरह कैसे मिलता था? भोजन पानी समय समय पर मिलता था, जो भी अस्पताल की उपलब्धता थी उसके अनुसार। क्या वो बर्तन वगैरह जो देते थे उनको? वो सब डिस्पोजेबल्स में रहता था। हाँ। और वो कहते हैं डिस्पोजेबल जो है वो वहाँ के कर्मचारी उठा के ले जाते थे। सक्सेना जी, एक और सवाल कि समाज का बिहेवियर जब ये सब कुछ हुआ या हो रहा था उस दरमियान क्या आपके प्रति था, सामाजिक दायित्व जो होना चाहिए वो था या नहीं था? समाज का दायित्व तो बहुत अच्छा था, सभी लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, आत्मबल दिया, लेकिन मीडिया ने ही अपना दायित्व ठीक से नहीं निभाया। कुछ मीडिया के लोगों ने कहते हैं चीजों को तोड़ मरोड़ कर अपने तरीके से बिना जाने समझे प्रस्तुत किया, जिससे मैं आघात मुझको पहुंचा और मुझे मेरी प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया। और समाज में मैं सिर्फ ये एक संदेश देना चाहूंगा कि कोरोना पीड़ितों को मानसिक रूप से प्रताड़ित ना करें, क्योंकि ये उनका खुद का बुलाया हुआ रोग नहीं है, ये एक ऐसी आपदा है जिसको कोई भी नहीं जानता कि ये कैसे उसके पास पहुंचती है। सभी पड़ोसियों को पड़ोसी धर्म निभाना चाहिए, लोगों को मान सम्मान के साथ रखना चाहिए, क्योंकि आपको याद हो कि आज ही एक लड़के ने कोरोना पीड़ित था और वो नेगेटिव होने के बाद भी उसको मोहल्ले के लोगों ने इतना मानसिक प्रताड़ित किया कि उसने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। तो मेरा लोगों से ऐसा प्रकरण तो सक्सेना जी नहीं आया है, ऐसा प्रकरण कैसे नहीं? मैं आपको कहाँ का है बेटा, बताइए।
जी जी कोई बात नहीं। सक्सेना जी एक सवाल और कि जब आपको या आज संक्रमित जो लोग हैं आपकी बेटी है संक्रमित थे अब नहीं, हाँ, आपको, अब नहीं है लेकिन उस समय कैसा फील होता है मतलब बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं किस तरह से घबराहट होती है या खांसी आती है उस वक्त शारीरिक क्या मूवमेंट्स होते हैं? मुझे मुझे इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी मुझे कोई ऐसी कहते हैं तकलीफ महसूस नहीं हुई कुछ प्रारंभिक ही था जिसकी वजह से मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। सक्सेना जी आपने मीडिया के बारे में कहा लेकिन स्वराज एक्सप्रेस ने कभी भी इस तरह की भ्रांति फैलाने का प्रयास नहीं किया। हमारे यहाँ से 2 रिपोर्टर 3 कैमरामैन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और उसके बाद भी हमारे निर्मल सिंह अभी खड़े थे ये लोग बराबर काम कर रहे हैं न कहीं गए न इस तरह की भ्रांति फैलाने का प्रयास किया। सबसे पहले आपको त्रिपाठी जी आपको त्रिपाठी जी याद होगा मैं अखबार का नाम नहीं लेना चाहता जी कहते हैं खैर उस बात को कहते हैं अपन ज्यादा तूल ना दे लेकिन हाँ मीडिया को अपना मीडिया का सच्चाई का धर्म निभाना चाहिए मेरा सिर्फ मीडिया के लोगों से क्योंकि वो अपनी जान पे खेल कर काम कर रहे हैं लेकिन कुछ ही लोग कुछ चंद लोग जो है उनकी छवि बिगाड़ने का काम करते हैं उनको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि मीडिया अपना धर्म पूरी तरह से निभा रहा है और वो हर तरह की चीज समाज में पहुंचाने का प्रयास कर रहा है लोगों तक इसके अच्छे संदेश पहुंचा रहा है। उस बीच में कुछ लोग कहते हैं भ्रमित करके लोगों को कुछ भी प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं वो नहीं करना चाहिए। रायपुर में एक जिस तरह आप फाइट कर कर आप घर पहुंचे हैं उसी तरह स्थिति अग्रवाल कुछ अग्रवाल एक बेटी सबसे पहले पीड़ित पाई गई थी रायपुर में वो घर पहुंची है देखिए मैं अगर आप टीवी देख रहे हो तो मैं दिखाता हूं उनका बड़े मोहल्ले के पड़ोस के लोगों ने देखिए किस तरह से फॉर निष्ठा अग्रवाल हिप हिप हुर्रे हिप हिप हुर्रे हिप हिप हुर्रे जय आर गुडिंग। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो कोरोना पीड़ित थी वो ठीक होकर जब घर लौटी है तो लोगों ने किस तरह से जश्न मनाकर उसका स्वागत किया उसकी तस्वीरें जो कि समाज में एक संदेश देने का काम कर रही है घंटी बजा रहे हैं ढोल मंजीरे बजा रहे हैं इशिता अग्रवाल जिंदाबाद इस तरह के नारे भी लग रहे हैं निश्चित तौर पर संघर्ष करके मौत के मुंह से बाहर आए सक्सेना जी भी हमारे साथ है शायद जी सक्सेना जी मैं इन लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जिन लोगों ने ये किया है और वाकई कोरोना पीड़ित लोगों का इसे ही इसी तरह से उत्साह वर्धन करना चाहिए वो वैसे ही कष्ट से निकल कर आए हैं और उनका इस तरह से स्वागत करना भी एक अच्छी पहल है और उनका मान सम्मान रखना भी एक बहुत अच्छी पहल है बिल्कुल और मजबूत होगा। इसी पहल को मैं जारी करते हुए मैं चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूँ हमारी भतीजी बेटी को भी स्वागत करता हूँ और आप हमारी बेटी आपने कहा भी है कि अब लंदन में अपनी डिग्री पूरी करेगी LLM करके आएगी और फिर यहाँ आएगी और फिर प्रैक्टिस करेगी ऐसा आपने शायद कहा भी है। हाँ वो तो अपने जीवन मार्ग पर उसी गति से आगे बढ़ेगी उसमें कोई कहते हैं अवरोध की स्थिति नहीं आएगी और बहुत और ज्यादा ऊर्जा से काम करेगी जीवन में। चलिए बिल्कुल सक्सेना जी जुड़ने के लिए और तमाम अपने एक्सपीरियंस साझा करने के लिए शुक्रिया आपका। त्रिपाठी जी लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें अब बदलाव आ रहा है जो पहले मानसिकता थी वो अब बदल रही है ये कहा जा सकता है? देखिए बदलाव तो धीरे धीरे आएगा देखिए जैसे सक्सेना जी ने कुछ प्रताड़ना की बात कही कि मानसिक प्रताड़ना भी होती है वो ठीक होकर के आ भी गए तो अभी भी लोग उनसे फिलहाल इसको सामान्य होने में सबको कम से कम 5 से 6 महीने लगेंगे मुझे जो लगता है। अभी भी बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जो इनसे दूरी बनाने का प्रयास करेंगे कम से कम 1 महीने तो बिल्कुल और भी लोग जुड़ गए हैं। अनिल बैरागी जुड़ गए हैं उज्जैन से और बलवंत भट्ट जुड़ गए हैं हमारे साथ मंदसौर से। अनिल मंदसौर बैरागी जी के पास चले क्योंकि उज्जैन से मृत्यु हुई है। अनिल वहां पर क्या सबसे पहले जानना चाहूंगा कि जो संक्रमित लोग हैं सबसे पहले उनकी आइडेंटिफिकेशन जानना चाहेगा स्वराज कहां के हैं किस मोहल्ले में रहते हैं और क्या विदेश गए थे उनके नाम सहित अगर के पास हो आप दीजिए उसको क्योंकि हम ये इसलिए हम इसको बताना चाह रहे हैं कि अगर टीवी के माध्यम से ऐसा कोई व्यक्ति जो उनसे मिला हो उनके संपर्क में आया हो वो उनका नाम नहीं जान रहा हो तो अगर उसको मिल जाए तो वो अपने आप को क्वारंटाइन कर ले अपने परिवार की जिंदगी बचाए डॉक्टर के पास जाए अपना टेस्ट कराए इसलिए मैंने ये प्रोग्राम रखा है और आपसे जानना चाह रहे हैं। अनिल
पॉजिटिव जिस तरह से आपने कहा कि उनका नाम पता बिल्कुल बताना है, तो निश्चित तौर पर जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो राबिया भी जो 65 वर्षीय महिला है, जासामपुरा उज्जैन की रहने वाली है, और इनकी जो पॉजिटिव जिस तरह से रिपोर्ट है उसके बाद ही जब इन्हें इंदौर रेफर किया गया तो इनकी मौत की भी जो पुष्टि हो गई। हालांकि जिस तरह से अगर बात करें बाकी मायनों में तो यही एक पहला ऐसा मामला है जो प्रदेश में पहला आया। वही दूसरी ओर अगर बात करें तो एक और जो शख्स जो सामने आ रहा है जिनकी पॉजिटिव जो रिपोर्ट आई थी और उसके बाद में उनकी भी मौत की पुष्टि हो गई, तो तमाम तरह से अभी तक जो है वो 7 जो है जिस तरह से पॉजिटिव जो आए हैं मरीज, वो सबसे अहम बात कि 6 लोग जो है इसमें एक ही परिवार के, जिसमें राबिया भी है, राबिया भी पति कबरुद्दीन, हालांकि कबरुद्दीन जो उनके पति ठीक है, चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा है अनिल से, संपर्क टूट गया। लेकिन त्रिपाठी जी, जिस तरीके से ये देखा जाए कि हम जिस चीज का जिक्र कर रहे थे कि जो लोग हैं, सबसे पहले हमें उनका उत्साह बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जैसे क्लैपिंग जब वो आए तब हुई, तो क्या जाते समय वो खुद को क्वारंटाइन कर रहे हैं तब भी क्लैपिंग आई थिंक करनी चाहिए। हाँ, उत्साह उनको बढ़ाए, उनको तो धैर्य रखना चाहिए, उनको बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन समाज को ये जागरूक करने की जरूरत है कि जो, हालांकि अभी हमारे अरविंद जी ने भी बोला कि डॉक्टर ने किया, क्योंकि कोरोना के बारे में किसी को मालूम नहीं है, न ही इसका अभी तक कोई मेडिसिन ढूंढ पाए हैं। ये लौट के भी आ सकता है, नहीं आ सकता, कब लौटेगा, कब लौटेगा, इसलिए एहतियात के तौर पर डॉक्टरों ने कहा होगा कि 14 दिन 15 दिन और आप सामान्य रहे तो बेहतर होगा, बेहतर होगा। कोरोना ऐसा नहीं कि आप कोरोना हो गया और आपको एकदम से उल्टी होने लगी और आपको फीवर आ गया और आप गिर पड़े, सांस बंद हो गई, ये अलग अलग स्टेज होता है, अगर उसको पहले से एहतियात के तौर पर अगर है तो धीरे धीरे ठीक। अनिल बलवंत हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिल से संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, उनकी आवाज नहीं आ पा रही, लेकिन बलवंत से, मंदसौर से, मंदसौर से बलवंत सर, बलवंत क्या आपके यहाँ भी कोई ऐसे संदिग्ध है, पॉजिटिव पाए गए, हालांकि संभवतः मंदसौर से पॉजिटिव कोरोना नहीं पाए गए हैं, लेकिन कोई संदिग्ध है, और संदिग्ध है तो वहाँ पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, और अगर जो संदिग्ध है तो उनके नाम, उनके घर का पता भी हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मंदसौर जी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि यहाँ पे अभी तक एक भी मामला कोरोना का पॉजिटिव नहीं पाया गया है। कुछ संदिग्ध लोगों की रिपोर्ट जरूर यहाँ से सैंपल लेकर भेजी गई थी, लेकिन रात भरी खबर ये है कि सारे जो रिपोर्ट आने थे वो कल शाम को आए हैं और सारे नेगेटिव आए हैं। बहरहाल पुलिस जो सुरक्षा व्यवस्था है पूर्णतः लॉकडाउन कर रखा है, और जो राजस्थान की जो मंदसौर जिले में चारों ओर से सीमाएं लगती है उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जी बिल्कुल बलवंत, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई है नहीं, फिर भी वहाँ पर लोगों में जागरूकता किस प्रकार से है या नहीं है? जी, जिला प्रशासन लगातार जब से कोरोना ने अपने इंडिया में दस्तक दी है तब से जागरूकता अभियान चला रहा था, और उसी का नतीजा है कि मंदसौर जिले में कहीं ना कहीं जागरूकता देखने को मिल रही है, और लोग जो लॉकडाउन का पालन है वह पूर्ण रूप से कर रहे हैं, और जो लोग यहाँ रुके हुए थे उनके भी, जो बाहर के लोग हैं उनको भी यहाँ पर रुकने के लिए व्यवस्था कर दी गई है, उनको यहाँ से बाहर निकलने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा नहीं दी जा रही है। बलवंत, जो संदिग्ध है वो किस मोहल्ले के हैं, कौन से मोहल्ले से संदिग्ध है? अलग अलग क्षेत्रों से थे, अलग अलग ब्लॉक से, मंदसौर जिले के जो ग्रामीण इलाके थे, जो महाराष्ट्र और राजस्थान में जो मजदूर काम करने जाते हैं वो मजदूर संदिग्ध माने गए थे, कि वो संदिग्ध जो उनके जिला प्रशासन ने बाहर से आने के कारण उनको संदिग्ध माना था, और उनके सैंपल इंदौर भेजे थे, लेकिन सभी नेगेटिव सैंपल जो रिपोर्ट आनी थी वो आए हैं। जी जी बलवंत, जिस तरीके से सभी एहतियात लोग बरत रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप भी मास्क लगाए रखें और हैंड ग्लव्स पहन के रखें, क्योंकि आप मैदान में हैं, भले ही वहां पर कोरोना ना पहचाओ लेकिन फिर भी आपको देखकर 4 लोग और मास्क पहनेंगे, ये जरूर ध्यान रखें। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे आप कि कहां से वो संक्रमित लोग थे और उनका बैकग्राउंड क्या था, क्या व्यवसाय, किस मोहल्ले के हैं वो, जो उनकी मौत की जो पुष्टि हुई है, तो प्रदेश में पहला एक ऐसा मामला है जिसकी सबसे पहले उनकी मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि उनके जो पति हैं कबरुद्दीन वो भी इसकी चपेट में आए हैं, उनको भी